कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है और विवाह धरती पर होते हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ 3 फीट के विजय मरावी और 2.5 फीट के दुर्गा के साथ। अरसे पहले सोशल मीडिया पर इनका परिचय हुआ। कोरबा में इनका विवाह सामूहिक आयोजन में संपन्न हुआ। जनजातीय समाज से आने वाले विजय मरावी पाली ब्लॉक के ढर्रा भाठा गांव के निवासी हैं। वे टेलरिंग से जुड़े हैं। उनका शारीरिक विकास कई कारणों से नहीं हो पाया है और ऊंचाई 3 फीट से ज्यादा बढ़ नहीं सकी। विजय के लिए कुछ ऐसे ही जीवन साथी की तलाश उनके परिवार के लोग कर रहे थे। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। संयोग से नजदीकी गांव में रहने वाली दुर्गा विजय के समाज से ही थी और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। सोशल मीडिया से दोनों जुड़े और बातचीत शुरू हो गई। हाल में ही इन दोनों की मुलाकात आमने सामने हुई। इसके बाद विवाह की बातचीत हुई और रिश्ता पक्का हो गया। कोरबा के सर्वमंगला मंदिर परिसर में नमः सामूहिक विवाह के आयोजन की जानकारी मिलने पर इन्होंने रुचि दिखाई और फिर यहां दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। मोबाइल के जरिए कैसे संपर्क हुआ? मोबाइल के जरिए आप लोग आस पास में गांव है ना, तो घूमने उने जाते हैं। अच्छा, फिर वैसे ही पता चल गया। आप इसको पसंद करते थे पहले से? हाँ। वो भी करते थे? हाँ। घर वाले कैसे बताया? आमने सामने देखे ना, उसके बाद ही। तो शादी के लिए आपने कहा कि आप दोनों राजी? घर वाले को ये सब राजी थे घर में? हाँ। तो अभी जैसे आप एक साथ घर में निकलते होंगे, हाँ, तो गांव वाले कैसे, किस वजह से देखते हैं, कैसे मतलब खुश रहते हैं देखने से? बहुत खुश रहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी जोड़ी है, ऐसे बोलते हैं। आगे क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह? बहुत अच्छे रहना चाहते हैं। दुर्गा मरावी ने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की है, जबकि उसके पति की शिक्षा हाई स्कूल की है। दोनों ने आगे शिक्षा प्राप्त करने को लेकर रुचि दिखाई है। पावर सिटी कोरबा में जिंदगी को नए अर्थ मिलने से यह दोनों खुश हैं। कोरबा से पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।